गाइस वेलकम टू अनदर क्लास। इन द प्रीवियस वीडियो हमने पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट की। आज हम उसी चीज़ को लेकर आगे चलेंगे। बासुकात इस तरीके से होता है कि हमने एक चीज़ का बहुत अच्छे से स्टार्ट लिया होता है, लेकिन जैसे ही पैराग्राफ खत्म होता है हम नेक्स्ट स्टार्ट ही नहीं कर पाते। सो देयर आर सम रीजंस। हमारे पास वो ट्रिक्स नहीं होती, हमारे पास टिप्स नहीं होती जिनके ज़रिए हम अपनी चीज़ को एक्सपेंड कर सकें। सो डोंट वरी अबाउट इट। आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अक्सर अवकात हमें ये होता है कि हमने सेंटेंस लिख लिया, अब उसके बाद क्या करें। हमने पैराग्राफ लिख लिया, अब उसके बाद क्या करें। तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होती हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस, या फिर हम इनको कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। अब जब आप किसी चीज़ को कनेक्ट करने का सोचते हो तो ऑब्वियसली आपके पास कोई ना कोई एक छोटा सा जुमला होता है या फिर छोटा सा कोई वर्ड होता है आपके हमारे पास जो कि हेल्प करता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा आई डू lots of things, in my leisure time, ठीक है। अब मैंने ये बात कह दी, अब मैं इस चीज को आगे कैसे बढ़ाऊं। अगर मैंने कोई एक जुमला इसके बाद कह दिया तो उसके बाद ऑब्वियसली मैंने रुक जाना है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रीड बुक्स, ठीक है। अगर मैं सिर्फ कहती आई रीड बुक्स तो उसके बाद फिर मैं सोचती कि क्या करना होगा, क्या चीज़ आगे लिख सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ कह दिया कि सबसे पहले मैं बुक्स रीड करती हूँ तो अब मैं ऑटोमेटिकली सेकेंड पे आ जाऊँगी, और सेकेंड, और ऑब्वियसली अगर ये इंडिकेशन मेरे पास थी कि ये फर्स्ट है तो मेरा माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा कि इसके बाद भी कोई चीज़ लिखनी है। तो इस वजह से हम यूज़ कर रहे होते हैं इस तरह की डिवाइसेस। उसके बाद मैं कहूँगी सेकेंडली I cook for my family, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो डिटेल्स भी ऐड कर सकती हूँ, बिकॉज आई गॉट द पॉइंट। पॉइंट के बाद उसको एक्सपेंड करना कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर मैंने सिर्फ इतनी सी बात कर दी आई रीड बुक्स, मेरा माइंड स्टक, ये कुछ और सोचेगा ही नहीं क्योंकि इसे पता होगा कि मैंने सीरीज तो बनाई नहीं है। तो होता क्या है कि अगर हम ये डिवाइसेस ऐड करते हैं या फिर हम यूज करते हैं आफ्टर ऑल या फिर देन, इसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं, बहुत सारी हैं, तो उस तरीके से फिर क्या होता है कि हमारी चीज़ें एक्सपेंड होती जाती हैं। हम एग्जाम्पल्स ऐड करते हैं, हम पॉइंट्स ऐड करते हैं, एंड थिंग्स जस्ट गो स्मूथ। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने कुछ डिवाइसेस यूज़ करनी है तो हमें पता तो होनी चाहिए कि कौन सी हैं वो। तो कुछ डिवाइसेस हम कर लेते हैं, बाकी एक्सप्लोर करना आपका काम है। डू यू सी द वर्ड्स हियर, स्टार्ट, कंट्रास्ट, एक्सप्लेन, इफेक्ट, एग्जांपल। लाइक ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं अपने एसे में। हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ करके स्टार्टिंग ले सकते हैं, और कौन से हैं जो कंट्रास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं आप लोग। एक्सप्लेन करनी है कोई चीज़ तो उसके लिए कौन सी डिवाइस होगी। इसके अलावा किसी चीज़ का इफ़ेक्ट बताना है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे। फिर हम कभी कभी एग्जाम्पल देते हैं, हम हमेशा कहते हैं फॉर एग्जाम्पल। वाई ऑलवेज फॉर एग्जाम्पल, कोई और वर्ड भी तो हो सकता है। तो इस तरीके से, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि होती है क-
कंक्लूजन की। ठीक है, इसको हम करेंगे अलग से, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी इनके कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि हम अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले है स्टार्ट, तो हम करेंगे टू बिगिन विथ, और हम कह सकते हैं इट इज फैक्ट। इसके अलावा हम कह सकते हैं इट इज सेड दैट, ठीक है। तो काफी सारे हैं जिनको हम यहाँ पर, जिनका जिक्र हम कर सकते हैं, लेकिन ताकि आपके आपके ऊपर भी बर्डन ना बढ़े और आप आसानी से याद भी कर सके, तो तीन तीन हम कर लेते हैं। ठीक है, फिर आती है बात कंट्रास्ट की, तो कंट्रास्ट में होगा स्टिल, डिस्पाइट, बट, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, फिर बात आती है एक्सप्लेन की, तो एक्सप्लेन में सबसे पहले हो जाएगा इन अदर वर्ड्स, ठीक है, और उसके अलावा हो जाएगा इट शोज, एंड देन फर्दर एक्सप्लेनेशन मींस फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉइंट इज दैट, तो आप इस तरीके से फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। फिर बारी आती है इफेक्ट की, इसमें सबसे पहला होगा देयरफॉर, देन आएगा कॉन्सिक्वेंटली, या फिर हम कहते हैं एज अ रिजल्ट, राइट। तो कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंटली, इस तरीके का जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं इफेक्ट को शो करने के लिए कि किसी चीज का नतीजा है, तो एज अ रिजल्ट वही होगा और देयरफॉर भी उसी तरीके से होगा। अब बारी आती है एग्जाम्पल की, हम करते हैं फॉर इंस्टेंस, इसके अलावा सच एज, या फिर हम इसे कहते हैं लाइक, ठीक है। अब हम आते हैं कि कंक्लूजन के लिए हम कौन सी चीजें यूज करेंगे और कंक्लूजन किस तरीके से किया जाए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एवर। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि कंक्लूजन इतना बड़ा और फिर रेड में भी, तो वो इस वजह से कि कंक्लूजन इज ऑफ्टन समथिंग जिससे हम सब भाग रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि चले हमने सारा लिख भी लिया, हमने सारी हर्डल्स पार कर ली, कंक्लूजन पर आकर रुक जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता। तो डोंट वरी अबाउट इट, कंक्लूजन बहुत आसान होगा अगर हमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस आती होंगी और अगर हमने ऐसे को फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ लिखा होगा। अब कंक्लूजन किस तरीके से करें उस पर जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस कौन सी होंगी इसके लिए। सबसे पहली हो सकती है फाइनली, ठीक है, फिर हम लिखेंगे टू सम अप, और हम कह सकते हैं आफ्टर दिस ऑल इट कैन बी सेड। अच्छा, इस पॉइंट पर आप अपने पॉइंट को प्रूफ भी कर सकते हैं जो कि आपने अपने ऐसे में बात की होगी। आप यहाँ कह सकते हो कि उन तमाम बातों के बाद हम ये बात कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है ऑल इन ऑल, ठीक है। इसके अलावा हम कर सकते हैं इट्स क्लियर, इट्स
नाउ क्लियर एंड फर्दर कंटिन्यू। तो अब हमने कंक्लूजन की, एक से ज्यादा इसलिए की कि कंक्लूजन में कोई एक चीज यूज नहीं, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा फाइनली यूज करें, जरूरी नहीं है कि टू सम अप ही कोई ऐसी चीज हो जो यूज हो सकती हो। हमें ये भी तो कह सकते हैं कि इट्स नाउ क्लियर, हो सकता है किसी बात को हमने प्रूफ किया हो सकता है किसी बात को हम, किसी डाउट को हमने खत्म कर दिया हो, तो इस वजह से हम इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो भी सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, अब हम इस बात पर आते हैं कि व्हाट इज कंक्लूजन, है क्या चीज है जो इंसान को मजबूर करती है कि वो कंक्लूजन पर आकर रुक जाए। उन चीजों को देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि हम अपने जो हमने लिखा था उसका कंक्लूजन किस तरीके से कर सकते हैं। कंक्लूजन इज एक्चुअली टू रैप समथिंग, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम उस पैराग्राफ में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात तो हम अपनी जो हमने जो क्वेश्चन रेज किया था, जैसे हमने रेज किया था हाउ टू राइट बिजनेस आइडियाज, तो उसी चीज को हम कंक्लूड कर सकते हैं। फाइनली वी कैन से दैट राइटिंग आइडियाज नीड सम सॉल्यूशंस। बाय फॉलोइंग ऑल द सजेस्टेड सॉल्यूशंस वी कैन से दैट नाउ एनीवन कैन राइट बिजनेस आइडियाज। ठीक है, आप यहां पर एक दावा कर दो, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं, उन पर अमल करके हो सकता है किसी का फायदा हो जाए। और या फिर आप कह सकते हैं कि बाय सजेस्टिंग ऑल द सॉल्यूशंस नाउ नन कैन रिमेन बिहाइंड। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहते तो आप कोई एक्शन की बात कर दो, कि आप कोई एक्शन ले लो इस हवाले से, कुछ सजेस्ट कर दो, किसी इंस्टीट्यूशन का बता दो उनको, मतलब बंदे को प्रोवोक करो कि वो कंक्लूजन के बाद जस्ट खत्म करके रख ना दे। उसके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए या फिर उसके पास कुछ करने के लिए होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप अपने जो आपने क्वेश्चन लिखा था उसी का उसके पास आंसर होना चाहिए। तो असल जो हमारा पर्पस था राइटिंग का वो यही था कि हमने जो टॉपिक लिया है उसका कुछ फायदा हो दूसरे को पढ़ने का, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस अपनी चीज का भी रैप अप कर सकते हैं। और ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी यहाँ पर काम आ सकती हैं, और इस तरीके से आप एक अच्छा सा ऐसे या पैराग्राफ लिख सकते हो। सो इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी, एनी कंफ्यूजन एट ऑल, यू कैन आस्क मी, आप कमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर एवरी वन हु वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।